हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति के टॉप 20 MCQs हम आपके सामने लेके प्रस्तुत हो गए हैं। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस मुकुट से किंग चार्ल्स III का राज्याभिषेक किया गया था मई 2023 में। दोस्तों, मई 2023 में किस मुकुट से किंग चार्ल्स III का यानी किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक किया गया था। तो स्टेट क्राउन ऑफ जॉर्ज प्रथम, स्टेट क्राउन ऑफ विक्ट्री, सेंट एडवर्ड्स क्राउन, इम्पीरियल क्राउन ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट एडवर्ड्स क्राउन का। दोस्तों, सेंट एडवर्ड्स क्राउन जिसका नाम था, उस मुकुट से किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक किया था सेंट एडवर्ड्स क्राउन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हिमालय की इनमें से किस चोटी की ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक नहीं है, नंदा देवी, नंगा पर्वत, धौलागिरी और लोत्से। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों 12.5 लाख रुपये का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किस राज्य की सीमा उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपको हम बता दें, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से किस राज्य की सीमा लगती है, वो लगती है छत्तीसगढ़ की। और दोस्तों, आप देख सकते हैं नोट में दे रखा है झारखंड की भी सीमा उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से लगती है। दोस्तों, इसका छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र को किसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश माना जाता है, आदिगुरु शंकराचार्य, भगवान महावीर, संत कबीर, भगवान बुद्ध। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में ही, 1965 में असल उत्तर की लड़ाई के बाद किस तरह की वस्तुओं के वहां पड़े होने के बाद उस जगह को पैटन नगर नाम दिया गया था, टैंक, मशीन गन, जीप, लड़ाकू विमान। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैंक। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस वजह से उस जगह का नाम क्या रख दिया गया था, पैटन नगर, यानी वहाँ क्या पड़े हुए थे, टैंक पड़े हुए थे, यानी टैंक के पार्ट्स पड़े हुए थे, उस वजह से पैटन नगर उस जगह का नाम दे दिया गया था। जो दोस्तों 12.5 लाख रुपए का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ही, तो रुडयार्ड किपलिंग का घर नौलखा किस देश में स्थित है, जो दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग हैं उनका घर नौलखा किस देश में स्थित है, जहाँ उन्होंने द जंगल बुक किताब लिखी थी, पाकिस्तान, UK, श्रीलंका, अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों 25 लाख रुपए का क्वेश्चन था, कितने रुपए का क्वेश्चन है ये, 25 लाख रुपए का। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग का घर नौलखा किस देश में स्थित है, अमेरिका में, जहाँ उन्होंने द जंगल बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ही, सूर्य भूरा और ध्रुवीय किस जानवर की प्रजातियां हैं, बंदर, भालू, दरियाई घोड़ा, शेर। दोस्तों, आप जानते होंगे सूर्य भूरा और ध्रुवीय किसकी प्रजातियां हैं, किस जानवर की हैं, वो है दोस्तों भालू की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2023 तक के संदर्भ में डॉक्टर मनमोहन सिंह इनमें से किस सदन के सदस्य हैं, राज्यसभा, लोकसभा, पंजाब विधानसभा, दिल्ली विधानसभा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा स्थान प्राकृतिक रंगों से बने पारंपरिक हाथ ब्लॉक प्रिंट के लिए जाना जाता है, भिंड, राजगढ़, बाघ, शिवपुरी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सुरेंद्र मोहन पाठक किस शैली के उपन्यासों के लोकप्रिय लेखक हैं, जो दोस्तों सुरेंद्र मोहन पाठक लेखक हैं,
वह किस शैली के उपन्यासों के लोकप्रिय लेखक हैं? प्रेम, विज्ञान, इतिहास, अपराध। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपराध, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रालय के रूप में इसकी स्थापना के बाद से इनमें से किसका नेतृत्व कभी किसी पुरुष ने नहीं किया है? संस्कृति, महिला एवं बाल विकास, कपड़ा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से क्या एक जानवी कपूर की फिल्म है? शोर, कलेश, बवाल, झगड़ा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बवाल। दोस्तों बवाल एक जानवी कपूर की मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सी नदी दिल्ली से होकर गुजरती है? गंगा, यमुना, झेलम, सिंधु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी दिल्ली से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्यूसेफेलस किस शासक का घोड़ा था? चंगेज खान, अलेक्जेंडर, साइरस, अट्टिला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूसेफेलस अलेक्जेंडर का घोड़ा था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 ही, इनमें से क्या हिरण का एक प्रकार है? जो दोस्तों हिरण होता है, डियर होता है, उसका एक टाइप है, बार्किंग, लाफिंग, स्क्रीमिंग, हाउलिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्किंग, यानी भौंकना हिरण का एक प्रकार होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 ही, अफ्रीका में अल्बर्ट नाइल और विक्टोरिया नाइल किसके नाम हैं? पहाड़ी चोटियों के, घास के मैदानों के, नदियों के या राजधानियों के। दोस्तों अल्बर्ट नाइल और विक्टोरिया अफ्रीका में क्या हैं? नदियां हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। 2023 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किस महाद्वीप पर हुआ था? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर 2023 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्शियल आर्ट सिलंबम के साथ कौन से पौधे का संबंध है? नारियल, बांस, इमली, अंजीर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, HNO3 किस एसिड का रासायनिक सूत्र है? नाइट्रिक का, एसिटिक का, सल्फ्यूरिक का और फॉर्मिक का। दोस्तों HNO3 एक नाइट्रिक एसिड होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हबल टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हबल टेलीस्कोप है वह कहाँ पर स्थित है? अंतरिक्ष में, अमेरिका में, अंटार्कटिका में या पानी के नीचे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हबल टेलीस्कोप स्पेस यानी अंतरिक्ष में स्थित है। दोस्तों इसी के साथ हमने KBC के टॉप 20 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू दोस्तों।